हे गाइस, वेलकम बैक। इस वाले वीडियो में है एक तरफ Realme Buds 2 न्यू और एक तरफ यहाँ पर Realme Buds क्लासिक, दोनों का जो है कंपैरिजन करेंगे इसी वाले वीडियोस में। दोनों में एक से कौन सा बेहतर है, किस में बेस किस तरह का है, किस में साउंड क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी वगैरह कैसा है, कॉलिंग कैसा है, सारी कुछ इस वाले वीडियो में कंसिडर करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, सारी चीज़ें जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है डब्बा को रखते हैं साइड में और जो है प्रोडक्ट को इन हैंड में लेते हुए आपको बताते हैं क्लियर रूप से कि यहाँ पर दोनों में जो है क्या डिफरेंस है और किसके लिए कौन सा प्रोडक्ट है, कि उसको कौन सा लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें Realme Buds 2 न्यू की, तो यहाँ पर ये जो है इन ईयर डिजाइन में आता है, कान में अच्छे से पैक हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें आपको जो है तबाही लेवल का बेस मिलेगा, जो बेस लवर है वो यहाँ पर इसको ले सकते हैं। इसमें बेस की क्वालिटी डिसेंट है, 11.2 mm का जो है ड्राइवर साइज देखो जो है देखने को मिलता है, उसके कारण बेहतर बेस प्रोड्यूस होता है। तो जो बेस लवर है, जो बेस टाइप का म्यूजिक सुनते हैं, जो तबाही वाला म्यूजिक सुनते हैं, भोजपुरी हो गया, डीजे रिमिक्स एकदम, और हिंदी ओल्ड क्लासिक डीजे में, और पंजाबी टाइप का तड़का वाला म्यूजिक, सब इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा मजा आएगा। सराउंडिंग टाइप का साउंड मिलता है, इसके अलावा जो है पंची और सॉफ्ट बेस देखने को मिलता है, ठप वाला ड्राई बेस नहीं मिलेगा, एकदम पंची वाला सॉफ्ट बेस, मजा आ जाएगा बेस लवर को। और साउंड वगैरह भी जो है डिसेंट मिलता है, लाउडनेस भर भर कर है। तो ये स्पेशली जो है उस तरह के पर्सन के लिए है। और जहां तक बात करें इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह Realme Buds क्लासिक को लेकर, तो यहां पर इसमें जो है बेस वगैरह उतना ज्यादा जो है आपको फील नहीं होगा, हालांकि इसमें बेस ज्यादा है। इसमें जो स्पीकर साइज है उससे भी बड़ा है, इसमें 13.2 mm का ड्राइवर है, स्पीकर साइज है। तो यहां पर जो है बेस आपको ज्यादा मिलेगा, बट ये कान के थोड़ा सा बाहर लगता है, तो एक दो बेस जो है इधर उधर भटक जाता है, उस कारण से बेस जो है प्रॉपर आपके कान तक नहीं पहुंचता है, उस कारण से बेस आपको इसमें कम फील होगा। बट बेस इसमें ज्यादा है, स्पीकर साइज बड़ा है, तो यहां पर जो है बेस आपको थोड़ा कम फील होगा। बट यहां पर अगर बात करें मार्केट में, तो इस प्राइस सेगमेंट में 400 के हिसाब से जो है, जो जितना भी मार्केट में ईयरफोन है हाफ इन ईयर वाला, उसमें से सबसे बेहतर बेस वाला ये वाला ईयरफोन है, जिसमें आपको बेहतर साउंड क्वालिटी के साथ एक बेहतर बेस भी मिल जाता है। तो यहां पर ये हाफ इन ईयर में जो है ये चैंपियन है, बेस इस हिसाब से आपको सबसे तगड़ा मिलेगा मार्केट में। बट अगर आप यहां पर दोनों से अगर कंपेयर करेंगे, तो यहां पर इन ईयर वाला में जो है बेस का कोई जवाब नहीं है, इसमें आपको बेस बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसमें आपको बेस ठीक ठाक मिलेगा और जो साउंड क्वालिटी है ना, वो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डिसेंट मिलेगा, इससे भी आपको बेहतर साउंड क्वालिटी Realme Buds क्लासिक में देखने को मिलेगा। तो क्लासिक वाले में आपको जो है साउंड क्वालिटी बहुत ही डिसेंट मिलेगा, सराउंडिंग टाउट साउंड जो है इसमें ज़्यादा मिलेगा, चार ओवर लग रहा है कि जो है गाने बज रहा है, उस तरह का आपको जो है इसमें ज़्यादा फील होगा इसके कंपैरिजन में। इसमें जो है सराउंडिंग साउंड जो है थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में कम है, इसमें भी ठीक ठाक है। और जो साउंड की क्वालिटी है, वोकल्स वगैरह जो है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, वो इसमें आपको थोड़ा सा जो है लेस फील होगा, इसमें आपको वो चीज़ें बहुत ही बेहतर होगा। तो एक तरफ जो है Realme Buds क्लासिक को आप जो है बेहतर म्यूजिक क्वालिटी, बेस वगैरह उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बेस वाले आप गाने नहीं सुनते हो, तो यहाँ पर इसके साथ जा सकते हो। ये हाफ इन ईयर डिजाइन में आता है, इसका जो है साउंड क्वालिटी डिसेंट है, सराउंडिंग साउंड तगड़ा है, तो उस कारण से यहाँ पर इसको ले सकते हो। और अगर आप बेस लवर हो तो यहाँ पर इसको चूज कर सकते हो। तो साउंड क्वालिटी दोनों में इस तरह का है। और बाकी बात करें यहाँ पर जो है कॉलिंग को लेकर, तो कॉलिंग में जो है यहाँ पर आपको इसमें बेहतर ऑप्शन मिल जाता है, कि यहाँ पर जो है इसका माइक जो है यहाँ पर मुंह के पास आता है, और इसका जो माइक है यहाँ पर अगर आप देखोगे कान पर लगाने के बाद, इसका माइक थोड़ा सा दूर है तो ये नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कॉलिंग में ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, अगर आप पीरो आदमी हो तो यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा घुमा के लगाओगे इस तरह से, तो यहाँ पर इसका माइक जो है फिर मुंह के पास आ जाएगा, फिर आप जो है यहाँ पर कॉलिंग वगैरह कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो माइक इसका मुंह के पास आ गया, तो ऐसे करके आप जो है यूज कर सकते हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हाफ इन ईयर वाला है, इसको दिन भर भी यूज करोगे तो कान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितना भी देर यूज करो कान कुछ होगा नहीं, मतलब ये सेफ है ना। और ये इन ईयर वाला क्या है, कान को पैक करता है, लॉन्ग टर्म यूज करने पर जो है कान को इफेक्ट करेगा। और दूसरी बात, घर में आप जो है कहीं पर यूज कर रहे हो तो कोई बाहर से कुछ बोलेगा तो सुन नहीं पाओगे, तो यहाँ पर इस केस में हाफ इन ईयर वाला जो है आप ले सकते हो। इसमें जो है ये एडवांटेज मिलेगा कि यहाँ पर आप लगाकर जो है घर में आराम से घूम फूर के जो है बात भी कर रहे हो, दिन भर रात भर बात करो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई कुछ बोल रहा है सुन भी लोगे, तो उस तरह का जो है यहाँ पर एडवांटेज मिल जाएगा इस वाले में। तो इसमें कंफर्ट ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म में ये आप जो है कान को सेफ रखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इसका जो है ड्राइवर साइज थोड़ा बड़ा है, 10 में से 1-2 लोगों को जो है ये फिट नहीं होता, तो कान में थोड़ा सा जो है इशू हो जाता है, टाइट लगता है, तो उस केस में दिक्कत हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को ये जो है फिट हो जाता है, और जिनको फिट हो जाता है तो ये बेस्ट ऑफ बेस्ट है। लॉन्ग टर्म में जितना आपको जो है कॉलिंग वगैरह करना है, म्यूजिक सुनना है, मूवीज देखना है, दिन भर यूज करने के लिए परफेक्ट है। बाकी जो है आउटडोर में आप यूज करोगे, जहाँ पर शोर वगैरह ज़्यादा है, या भीड़ भाड़ इलाके में, ट्रेन में हो, बस में हो, सफर कर रहे हो, उस केस में ये जो है यूजलेस है। इसमें जो है नॉइस वगैरह बिल्कुल भी कोई, मतलब कुछ कोई भी कुछ भी बोलेगा वो आराम से आपके कान तक पहुँच जाएगा, मतलब नॉइस कंडीशन जीरो बोल सकते हो इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है उस जो है पर्पज से आप इसको नहीं ले सकते हो, भीड़ भाड़ इलाकों में जो है ये यूज में जो है सेंस में नहीं आएगा, वहाँ पर आप यूज नहीं कर सकते हो, आपका जो है शोर वगैरह जो है कान तक पहुँच जाएगा, तो वहाँ पर आपको म्यूजिक वगैरह इन्जॉय
करने में मज़ा नहीं आएगा। उस केस में जो है यहाँ पर आप इन ईयर वाला ले सकते हो, ये कान को अच्छे से पैक कर देगा, बाहर का शोर कोई कुछ भी बोलेगा ये जो है आपको जो है डिस्टर्ब नहीं होने देगा, आपको जो है म्यूज़िक सुनना है जो करना है, इवन 50% वॉल्यूम पे भी जो है बाहर का शोर सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ पर ये नॉइस कैंसलेशन तगड़ा है, आउटडोर में यूज़ करने के लिए परफेक्ट है। बाइक वगैरह में आप जो है ज़्यादातर टाइम वगैरह इन्वेस्ट करते हो, कहीं जाते हो कॉलिंग वगैरह करना, उसके हिसाब से भी परफेक्ट है। कॉलिंग वगैरह वहाँ पर जो है ये इसका माइक जो है मुँह के पास आ जाएगा, उसके लिए जो है डिसेंट चीज़ देखने को मिल जाता है। तो इस हिसाब से जो है दोनों को चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो है तीसरा चीज़ क्वालिटी वगैरह दोनों का सेम टू सेम है। यहाँ पर जो है रियलमी बड्स क्लासिक का जो क्वालिटी है वो भी जो है यहाँ पर और इसका जो है दोनों ही जो है एक जैसा क्वालिटी है, दोनों में जो है सेम टू सेम क्वालिटी है। और अभी तक हमने जो है 2 साल तक यूज़ किया ये वाला रियलमी बड्स क्लासिक, 2-2.5 साल यूज़ कर लिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और ये भी जो है अभी नया नया मंगाया, बट दोनों का क्वालिटी सेम है, तो ये भी जो है लॉन्ग टर्म तक चल जाएगा, आराम से आपका जो है 2-2.5 साल तक चल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है क्वालिटी भी जो है समझ सकते हो कि दोनों का क्वालिटी डिसेंट है। रियलमी का है उतना आप सस्ता समझ नहीं सकते, मतलब एक ठीक ठाक कंपनी के रूप में आपको ठीक ठाक प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, इतना तो भरोसा कर सकते हो, है ना। इसके अलावा जो है बात करें यहाँ पर जो है इसमें आपको Realme Buds 2 Neo में आपको जो है जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजर दिया है, इसमें ऑर्गेनाइजर दिया है, और जो Realme Buds 2 पुराना वाला जो वर्जन था उसमें जो है वॉल्यूम प्लस माइनस करने का ऑप्शन था यहाँ पर बटन में, इसमें जो है वो बटन का जो है ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है, सिर्फ एक ही बटन दिया सिंगल बटन। तो यहाँ पर वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का ऑप्शन नहीं दिया जो कि Realme Buds 2 में देखने को मिला था, तो वो एक कमी किया यहाँ पर। तो एक दो कॉन्स है, बाकी ये कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। बाकी जो है साउंड क्वालिटी वगैरह मैंने बता दिया प्रॉपर रूप से, कॉलिंग वगैरह भी जो है प्रॉपर बता दिया। उम्मीद है यहाँ पर आपका जो है डाउट्स वगैरह क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार जो है समरी कर देता हूँ, अगर आपको एक बेहतर साउंड क्वालिटी चाहिए, बेस वाला आपको ज़्यादा गाना नहीं सुनना है, ज़्यादा आपको बेस मैटर नहीं करता, साउंड क्वालिटी मैटर करता, आपको अरिजीत सिंह के गाने सुनने हैं, आपको उस तरह का बॉलीवुड टाइप का हिंदी टाइप का क्लासिक टाइप का म्यूज़िक सुनना है, उसके लिए ये एकदम सही है। सराउंडिंग साउंड के साथ जो है लाउडनेस भी ज़्यादा मिलेगा और बेस जितना चाहिए उतना मिलेगा, तो ठीक ठाक बैलेंस बेस मिलेगा और जो साउंड क्वालिटी वो नेक्स्ट लेवल का एकदम ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी मिलेगा इस वाले में। और दिन भर आपको घर में रहना है, यूज करना है, बहुत लंबा लंबा यूज करना है, उसके लिए ये सही है। इसके अलावा बाकी बेस लवर जो है जिनको तबाही बेस सही है, बेस के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, एकदम प्योर बेस लवर हो आप एकदम, तो यहाँ पर ये पसंद आएगा Realme Buds 2 Neo इन ईयर डिजाइन वाला, है ना, तो इसको ले सकते हो। इसको जो है यहाँ पर बेस के रूप में आप जो है कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा जो है कूलिंग वगैरह डिसेंट है, लॉन्ग टर्म में चल जाएगा, सही है। और भीड़ भाड़ इलाके में आउटडोर में यूज करना है उसके लिए एकदम परफेक्ट चीज़ है, बट वही है कि बहुत देर तक यूज करने पर यहाँ पर जो है कान को इफेक्ट करता है, तो वो चीज़ देख लेना है। बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पर इसको ले सकते हैं। तो दोनों को मैंने क्लियर बता दिया किसको आप ले सकते हो किस केस में, दोनों का अलग अलग केस है, आई होप क्लियर हो गया हो। फिर भी कुछ डाउट है आप कमेंट कीजिए हमेशा की तरह, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा भाई, ये जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से जय हिंद।